अस्सलाम वालेकुम टॉल। तो आज हम दही के शोले बनाकर तैयार करेंगे, जिसको हम कई नाम से जानते हैं। इसको दही के शोले भी कहा जाता है, कर्ड कबाब्स भी कहा जाता है, इसको कर्ड रोल्स भी कहा जाता है, इसको कर्ड ब्रेड रोल्स भी कहा जाता है। बहुत नामों से इसकी पहचान होती है। चूँकि समर सीज़न आ रहा है, इस हिसाब से ये इवनिंग टी टाइम पर बेस्ट रहेगी, या फिर अचानक से मेहमान आ जाए या फिर बच्चों को टिफ़िन में कुछ स्नैक्स सर्व करना हो तो ये बेस्ट रहेगा, और इफ्तार रेसिपी के लिए भी ये बेस्ट रहेगी। सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक दही से और ब्रेड से तैयार की जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दही ले लेंगे। हम क्या करेंगे कि दही को एक छन्नी पर डाल देंगे, नीचे से एक बॉल रख देंगे ताकि दही का एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल कर छन जाए, अलग हो जाए। दही हमें बहुत गाढ़ा होना चाहिए, बहुत थिक चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से हम इसको एक आधा घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देंगे ताकि जितना इसमें पानी हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो लीजिए, आधा घंटा हो चुका है, दही हमारा अच्छी तरह से छन चुका है। इस हिसाब से हमें दही की थिकनेस चाहिए। देखिए, बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है पानी, इसका एकदम छन चुका है। अब हम दही को एक बाउल में निकाल लेंगे, पानी को फेंक देंगे। सारे दही को एक जगह करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें चंद स्पाइसेस मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि 2 चम्मच के करीब इसमें टमाटर ऐड करेंगे बारीक कट कर कर। इसी तरह से हम 3 चम्मच हम इसमें प्याज ऐड करेंगे बारीक कट कर कर। अब हम 2 बारीक हरी मिर्च कट कर कर डाल देंगे। इसकी जगह आप शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम 2 से 3 चम्मच के करीब बारीक कट कर कर हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। भुना कुटा जीरे का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच हम इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन तमाम स्पाइसेस को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे, जिससे कि हमारा दही बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो जाएगा। चूँकि हमने दही को अच्छी तरह से छान लिया है, हमारा दही अच्छी तरह से थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। ये स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद दही का एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब इसको हम चम्मच उल्टा करें तो ये दही नीचे नहीं गिरना चाहिए। इस तरह की दही की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें दही के शोले प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए, अब हमारा मिक्सर बनकर रेडी हो चुका है, अब हम उसको एक साइड में रखेंगे। दही के शोले बनाने के लिए हमें ब्रेड का एक पीस बनाने के लिए हम 2 ब्रेड स्लाइसेस का यूज़ करने वाले हैं। हम क्या करेंगे कि इसके साइड्स को कट कर लेंगे। साइड्स को कट करना कम्प्लीटली अपने ऊपर है, अगर आप चाहें तो कट करें, वरना इस तरह से भी हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने इसके साइड्स को कट कर दिया है ताकि हमें फोल्डिंग में परेशानी ना हो। हल्के से ये थोड़ा घट होते हैं, तो जब हम फोल्ड करेंगे तो इस वजह से प्रॉब्लम होगा, इस वजह से मैंने इसके साइड्स को निकाल दिया है। सारे साइड्स को कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड के स्लाइस को ले लेंगे और उसको एक बेलन की मदद से अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, अच्छी तरह से उसको हम पतला कर लेंगे। देखिए, इस तरह से बेल लेंगे, हम हल्के हाथ से इस तरह से बेलते जाएंगे। और हाँ, फ्रेश ब्रेड का यूज़ करना है। अगर ब्रेड फ्रेश ना भी हो तो हम क्या करेंगे कि हल्का सा पानी का एक छींटा दे सकते हैं, जिससे कि ब्रेड हमारी अच्छी से नरम हो जाएगी। देखिए, इस तरह से दोनों ब्रेड के स्लाइस को अच्छी तरह से रोल कर लिया है, अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो अच्छी तरह से बेलने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ब्रेड के एक साइड पर हल्का सा पानी इसमें डालेंगे, 2 से 3 बूंद के करीब। बस ड्रॉप 2 से 3 ड्रॉप के करीब हम इसमें पानी डालकर इस तरह से प्रेस करेंगे एक साइड पर, क्योंकि हमें इसके ऊपर से दूसरी ब्रेड रखना है। अब हम अच्छी तरह से इसके ऊपर से भी 2 से 3 ड्रॉप के करीब पानी ऐड करेंगे। की जगह आप दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये ब्रेड एक दूसरे से लग जाए, चिपक जाए। अब हम क्या करेंगे कि एक पॉलीथीन का शीट ले लेंगे, हल्का सा एक छींटा दे देंगे ब्रेड के ऊपर से। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने पॉलीथीन के ऊपर रख लिया है, क्योंकि इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस करने से आसानी होगी हमें। मैं बताऊंगी आपको किस तरह से प्रेस करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने दही का मिक्सर बनाकर रेडी किया था उस पर हम ऐड कर देंगे। 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसके ऊपर से ऐड कर देंगे तैयार किया हुआ दही का मिक्सर। अब हम क्या करेंगे कि एक साइड से इस तरह से ब्रेड को रोल करेंगे। देखिए, इस तरह से खींचते जाएंगे ताकि अच्छा तरह से ये
टाइट हो जाए अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पॉलीथीन से कवर करते जाएंगे। टाइट सा एक हमारा दही और ब्रेड से रोल बनकर रेडी हो चुका है। देखिए इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, उसको हम टाइट करते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि पहले दो साइड्स को हम अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोल्ड करेंगे हम प्रेस करते हुए। देखिए इस तरह से साइड्स को अच्छी तरह से पकड़ना ज़रूरी है, वरना वहाँ से दही लूज हो जाएगा, निकल जाएगा। इस तरह से पेपरमेट की पन्नी को फोल्ड किया जाता है। इस तरह से हमने फोल्ड करके अपने दही के छोले बनाकर रेडी कर लिए हैं। देखिए इस प्रोसेस से वन बाय वन बनाकर तैयार करते जाएंगे। ज़बरदस्त से हमारे दही के छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। दही को हमने 100 ग्राम दही का यूज़ किया था, जिससे कि 15 से 20 हमारे दही के छोले इजीली बनकर रेडी हो जाएंगे। मैंने सिर्फ 5 से 6 दही के छोले बनाकर रेडी किए हैं, उसको डीप फ्रिज में मैंने स्टोर करके रख लिया है। जब भी हमको बनाकर प्रिपेयर करना हो तो हम इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर दही के छोले बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप इसको एयरटाइट बैग में रखकर डीप फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिन के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रिपेयर करना हो ब्रेड को रोल करें और दही के मिक्सचर उसमें ऐड करें, इजीली इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लें, बनकर हमारा रेडी हो जाएगा। ये फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। शैलो फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल के हल्के से गर्म होने के बाद गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हम वन बाय वन तैयार किए हुए दही के छोले ऐड करते जाएंगे। देखिए इस तरह से एक बार में उतने ही ऐड करें जितने के आपके पैन में इजीली एडजस्ट हो जाए। तो लीजिए हमने दही के छोले पैन में ऐड कर लिए हैं। लो फ्लेम पर हम क्या करेंगे कि इसको पलटते हुए 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चूँकि ब्रेड ऊपर से ब्रेड की स्लाइस है, इजीली कुक हो जाएगी, इजीली फ्राई हो जाएगी। तो हर एक मिनट बाद उसको पलटते जाएंगे, हल्का हल्का सा उसका साइड चेंज करते जाएंगे। इस तरह से एकदम लो फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। और हाँ, जब हम उसको पैन से निकालना हो, जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, जब हम गैस के फ्लेम को हाई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि हमें इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं चाहिए। हाई फ्लेम पे करके निकालने से ऑयल नहीं रहेगा ब्रेड में। देखिए इस तरह से अलट पलट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के लिए हम उसको फ्राई कर लेंगे, ताकि तमाम से साइड्स इसके अच्छी तरह से कवर हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए, फ्राई हो जाए। तो लीजिए अलट पलट करके फ्राई करते हुए करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमारे दही के छोले बनकर रेडी हो चुके हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, सुनहरी से कलर आ चुका है। अब हम उसको सर्व करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक पेपर टॉवल पे भी आप निकाल सकते हैं, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा। तो लीजिए ज़बरदस्त से हमारे दही के छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम उसको कट करके देख लेंगे कि इसके अंदर वाला पार्ट, अंदर वाला साइड, उसका लुक एक बार चेक करेंगे। देखिए इस तरह से इसको कट कर लेंगे एक नाइफ़ की मदद से। देखिए ज़बरदस्त सा अंदर से हमारे दही के छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। देखिए इसके अंदर से लुक कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त से, टेस्टी से और देखने में बहुत शानदार से छोले बनकर रेडी हो चुके हैं। दही के छोलों के साथ एक ज़बरदस्त सी इमली और प्याज से तैयार की जाने वाली चटनी भी हम सर्व करने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही चटपटी सी, खट्टी मीठी सी, टेस्टी सी चटनी होती है, जिसको दही के छोलों के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मुट्ठी के करीब इमली ले लेंगे, जिसको अच्छी तरह से हम गर्म पानी से भिगो लेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए भिगो कर रखना है, गर्म पानी का यूज़ करेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये कम से कम टाइम में अच्छी तरह से भीग जाए इमली हमारी। तो देखिए 15 मिनट बाद अच्छी तरह से ये सोख हो चुकी है, भीग चुकी है। अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से इस तरह से मिलाते जाएंगे, अच्छी तरह से दबाते हुए सारा इमली का खट्टा निकालेंगे, क्योंकि हमें गाढ़ा खट्टा चाहिए इमली का, और पानी ऐड नहीं करना है। इसमें ही सारा इमली का खट्टा निकाल कर रेडी करना है। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए मैंने दबाकर इमली का खट्टा निकाल लिया है। अब हम उसको एक छन्नी में डाल देंगे, ताकि अच्छी तरह से चम्मच से मिलाते हुए, स्पैचुला से इसको मिक्स करते हुए सारा खट्टा हमें निकाल कर रेडी करना है। गाढ़ा सा हमें इमली का खट्टा चाहिए, हाफ कटोरी के करीब इसमें से खट्टा निकलेगा हमारा। देखिए इस प्रोसेस से हमने सारा इमली का पल्प निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम देखिए ज़बरदस्त है हमारा गाढ़ा सा इमली का खट्टा निकाल कर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम एक मुट्ठी के करीब बारीक कट कर हरा धनिया ऐड कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इमली में। तो देखिए कंसिस्टेंसी हमें अंदाज़ा लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि एक चुटकी के करीब
अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, पाव चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हाफ चम्मच हम इसमें भुना कुटा जीरे का पाउडर ऐड करेंगे, पाव चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, पाव चम्मच हम इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये तमाम चीज़ों से इसमें बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इमली का टेस्ट हमारा इन्हेंस होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें वह आलू का पेस्ट ऐड करेंगे। दो बड़े चम्मच हमने आलू का पेस्ट ऐड किया है, एक मीडियम साइज़ आलू को बॉईल कर लिया था जिसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है, उसको ऐड कर देंगे। आलू को ऐड करने से यह होगा कि इमली और प्याज का हमारे टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा, थिक होगी चटनी हमारी और कंसिस्टेंसी इसकी एकदम परफेक्ट रहेगी और टेस्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये चटनी टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है, आप इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसको हम एयरटाइट बैग में रखकर या क्यूब्स में आइस ट्रे में रखकर इसको 10 से 15 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कुछ भी चटपटे से पकवान बनाकर तैयार करें तो उसके साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखा आपने कितना ईजी और सिंपल वे में हमने ज़बरदस्त से दही और ब्रेड से बहुत ज़बरदस्त से दही के छोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसको दही के कबाब्स, ब्रेड के कबाब्स या फिर दही के छोले, कर्ड कबाब्स भी कहा जाता है। बनाने में बहुत आसान लेकिन टेस्ट में बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। समर सीज़न के हिसाब से ये बेस्ट रहेगा इफ्तार रेसिपी के लिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।